दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसका इंतजार मुंबई वासियों को कई सालों से है, आखिरकार वो अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरा होने की वजह से दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में तय किया जा सकेगा। केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इलेक्ट्रिक हाईवे आमतौर पर ऐसी सड़कें होती है जिस पर चलने वाली वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। ये बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने इस योजना का अधिक ब्यौरा न देते हुए कहा कि आप ट्रॉली बस की तरह ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं। ट्रॉली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली आपूर्ति से चलती है। गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ने का फैसला किया है। सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सुरंगों का भी निर्माण कर रही है। राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटल करने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 70% पूरा हो चुका है, जिसमें अब सिर्फ 30% का काम बाकी है। कार्यक्रम के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस को लेकर जानकारी शेयर करते हुए इसका जिक्र किया। फिलहाल बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा गुरुग्राम के राजीव चौक से शुरू होकर मेवात, जयपुर, कोटा, भोपाल, अहमदाबाद के रास्ते होते हुए मुंबई तक जाएगा। अनुमान है कि अगले साल 2023 तक इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।